अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर है। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन शेयर करूंगा। अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो कमजोर स्टूडेंट्स की सप्ली क्लियर हो जाएगी और मेहनती स्टूडेंट्स के इंशाल्लाह पूरे 85 नंबर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले कमजोर स्टूडेंट्स या सप्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए पासिंग फार्मूला शेयर करूंगा। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर वन होता है वो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। आपने क्या करना है, केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स के मशकी मरूजी अच्छे से आपने तैयार कर लेनी है, ठीक है। 17 नंबर के एमसीक्यूज आपके आएंगे और एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज जो है वो प्रीवियस एग्जाम्स के मुताबिक, जो पास्ट पेपर्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 60-70% जो एमसीक्यूज है वो आपके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स के मशकी मरूजी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ज्यादा नहीं, आप 17 में से 12 नंबर आसानी से हासिल कर लेंगे। 12 नंबर आपके यहां पर हो गए। उसके बाद केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को आपने अच्छे से तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। सिर्फ 3 चैप्टर बताऊंगा, 11 चैप्टर है, सिर्फ 3 तैयार करने हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे नंबरों के साथ आप पास हो जाओगे। चैप्टर नंबर 1, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे 6 नंबर के, इसमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा थ्योरेटिकल थ्योरी वाला क्वेश्चन 4 नंबर का, तो यहां पर इसके हो गए 10 नंबर, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे 6 नंबर के, 1 लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा 4 नंबर का, 10 नंबर आपकी यहां पर हो गए। अब चैप्टर नंबर 4, 3 शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के, 1 लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 10 नंबर यहां पे हो गए। यानी कि अगर आप ये 3 चैप्टर्स को मुख्तसिर और इंशाइया सवालात के हवाले से अच्छे से तैयार करते हैं तो ज्यादा नहीं 30 में से आप 25 नंबर हासिल कर लेंगे। 12 एमसीक्यूज वाले, 25 नंबर ये, तो ये टोटल बन गए 37 नंबर। तो 37 नंबर लेकर आप केमिस्ट्री को पास कर लेंगे। ये तो था पासिंग फार्मूला। तो अब बढ़ते हैं हम गेस्ट पेपर्स की तरफ। जी तो व्यूअर्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 के, आप देख सकते हैं। मैं यहां पर क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जस्ट मैं जो है वो साथ साथ बोलता जा रहा हूँ, मेन चीजें बताता रहूंगा और स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप देख सकते हैं ये चैप्टर 1 के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है तकरीबन 11, ठीक है। इनको आपने अच्छे से तैयार करना है और ये कोई ऐसे नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके। चैप्टर नंबर 2 आ गया जी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर तकरीबन 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर जो है वो आपको तकरीबन 11 शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है, प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपको जो है वो तकरीबन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आपने तैयार करना है। चैप्टर नंबर 8 की बात कर ले तो चैप्टर नंबर 8 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, कोई भी मिस नहीं करना, अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 10 है जी, चैप्टर नंबर 10 में से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है। उसके बाद नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 11 आ जाता है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो है वो आपको 13 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं 4 हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी का क्वेश्चन बनना है। आप देख सकते हैं यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है जी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो यहां पर इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 5 है जी, चैप्टर नंबर 5 में भी थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, इन 5 क्वेश्चन को आपने तैयार करना है। चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 4 बन रहे हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 7 में से ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 बन रहे हैं, इनको आप तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर 9 के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे 3 को। चैप्टर नंबर 11 के यहां पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको आप तैयार करेंगे।
अब आप सोचेंगे जी न्यूमेरिकल तो शेयर ही नहीं किए, चैप्टर नंबर 3 से न्यूमेरिकल आना है, चैप्टर नंबर 8 से न्यूमेरिकल आना है, और यहां तक कि यह भी बताया जा रहा है कि चैप्टर नंबर 7 में से 70% थ्योरी क्वेश्चन का उम्मीद है और 30% जो है वो न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। कंफर्म नहीं है, जो बताया जा रहा है वो आपसे शेयर किया है। अब मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शेयर करूंगा, चैप्टर नंबर 3 के जो है वो आपको न्यूमेरिकल आएंगे, इसमें एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इसको अच्छे से तैयार करना है, और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 एंड 23 है उसको आपने तैयार करना है, इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 का जो न्यूमेरिकल है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का जो है वो एग्जाम्पल 2, 4, 5, 6, 7 एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 21, 22, 23, 24 एंड 25, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंशाल्लाह ताला चैप्टर 8 में से भी आपका जो न्यूमेरिकल आएगा वो अटेम्प्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, अब रही बात चैप्टर नंबर 7 की, अगर मैं थोड़ा सा इसके जो हवाले से तस्दीक करूंगा, अगर हो गई तो उनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन वो कहां पे शेयर होंगे मैं उसके लिए अलग से तो वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपने जो है वो इंस्टाग्राम पे चले जाना है, ट्विटर पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, तो वहां पर आपको जो है वो चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। सिंपल आप यहां पे क्या सर्च करेंगे, गूगल में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे एजुकेशन अपडेट्स इंस्टाग्राम या फिर एजुकेशन अपडेट्स ट्विटर, ठीक है, एजुकेशन अपडेट्स यहां पे देखें दी एजु अपडेट्स, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं किस तरह से मेरा अकाउंट है, और यहां पे ट्विटर भी मैं आपसे जो है वो शेयर कर देता हूं कि वो किस तरह से है। यहां पर व्यूअर्स देख सकते हैं ये हमारा है जी इंस्टाग्राम का अकाउंट, अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर तकरीबन 41,000 फॉलोअर्स की फैमिली है, और आप यहां पर देखें यहां पे भी गेस्ट शेयर करता रहता हूं, अगर वीडियो फॉर्म के अलावा आपको यहां पे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो यहां पे अवेलेबल हुआ करेंगे। और उसके बाद यहां पर ट्विटर आ गया है जी, ये ट्विटर का अकाउंट है एजुकेशन अपडेट्स का, यहां पर आप देख सकते हैं, और यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन जो है वो 8100 जो है वो फॉलोअर्स की फैमिली है, तो यहां पर भी मैं डाटा शेयर कर रहा होता हूं, ठीक है। अगर 7 चैप्टर के हवाले से न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट शेयर करूंगा तो वो इन्हीं इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर के ऊपर शेयर किए जाएंगे, तो इनको लाजमी से विजिट कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह का लिंक मिल जाएगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर्स एंड पासिंग फार्मूला के हवाले से। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।